हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर रतन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बताएंगे आप लोग को टाइल्स इन फ्लोरिंग साइट। दोस्तों, एक रूम में जो फ्लोर पर टाइल्स लगाते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों, जो टाइल को लगाने के लिए उसमें मोर्टार यूज किया जाता है उसका भी क्वांटिटी आपको बताएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको स्कॉटिंग की भी बताएंगे, स्कॉटिंग क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे साइज ऑफ टाइल्स, फोर टाइल फ्लोरिंग एंड फोर डेडो वॉल्स। दोस्तों, मार्केटिंग में जो टाइल्स की साइज आती है, जो फ्लोरिंग के लिए जो साइज आती है, 300 100 बाय 450 mm आती है, 300 बाय 600 mm की आती है, 600 बाय 600 mm की आती है। दोस्तों, ये साइज आती है और इसके अकॉर्डिंग टू आप एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू आप मंगा सकते हैं मार्केट से फ्लोरिंग के लिए। देन दोस्तों, डेडो वॉल के लिए जो साइज आती है 300 बाय 300 mm एंड 300 बाय 450 mm। एंड दोस्तों, एज पर रिक्वायरमेंट भी आप अलग से इस आपको बड़ा इस साइज चाहिए तो वो भी आप मंगा सकते हैं मार्केट से। दोस्तों, मैं आपको बता दें डेडो वॉल क्या होता है। डेडो इज नथिंग बट, जैसे दोस्तों डैडो जो बाथरूम में यूज किया जाता है, जो टाइल एंड किचन में, उसको डैडो बोला जाता है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे थिकनेस ऑफ जो मोर्टार लिया गया है, जो टाइल को जॉइंट करने के जो मोर्टार होता है कि दोस्तों, जो टाइल तो वैसे नहीं जॉइंट है, उसके लिए मोर्टार यूज किया जाता है। उसका जो थिकनेस रखा जाता है 20 mm रखा जाता है। और दोस्तों, थिकनेस ऑफ जो मोर्टार फॉर डैडो वॉल, उसका जो थिकनेस रखा जाता है 12 mm रखा जाता है। दोस्तों, ये आप तो पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि 1.33 क्यों लेते हैं मोर्टार के केसों में, क्योंकि दोस्तों जो सेंड की जो कंप्रेसिबिलिटी होता है 33 से 34% होती है, एंड देन सीमेंट की 0% होती है। कंप्रेसिबिलिटी की उसी को दोस्तों इंक्रीज करने के लिए 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि दोस्तों एक्चुअली में जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वेट वॉल्यूम होता है, उसको वेट वॉल्यूम में नहीं, उसको ड्राई वॉल्यूम में क्वांटिटी निकालना पड़ता है, इसीलिए 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एक रूम का साइज़ लिए हैं, फ्लोर लिए हैं, जो देख पा रहे होंगे रूम का साइज़ है 6 मीटर बाय 4 मीटर का। दोस्तों, इस फ्लोर एरिया में कितना टाइल्स लगेगा और कितना मोर्टार लगेगा और उसमें कितना स्कॉटिंग लगेगा, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस रूम का जो लेंथ है 6 मीटर आपको लेंथ है और चौड़ाई इसकी 4 मीटर है। और दोस्तों, इसमें जो मोर्टार जो लगेगा 20 mm का मोर्टार दिया है। अब तीनों का दोस्तों क्वांटिटी निकालिएगा, तो जो क्वांटिटी निकलेगी आपको वेट वॉल्यूम निकलेगा, तो उसका तीनों को निकालने का सबसे आसान तरीका लंबाई गुना चौड़ाई और आप उसका डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्वांटिटी निकल जाएगी, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 6 मीटर इंटू उसकी डेप्थ 0.20 में आप 1000 से भागा दीजिएगा तो आपको 0.020 मीटर आएगा, और 4 मीटर तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको ये वॉल्यूम निकल जाएगा। दोस्तों, ये वेट वॉल्यूम है, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, तो वॉल्यूम मोटर को ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको 0.48 को 1.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, ये आपका ड्राई वॉल्यूम हुआ। दोस्तों, आप ड्राई वॉल्यूम इतना क्वांटिटी आप, तो इसको आप इसमें सीमेंट कितना है और सैंड कितना है, इसे कैसे निकालते हैं देख लीजिए आप। तो यहाँ पर मोटर के जो रेशियो लिए हैं 1:3 लिए हैं, वैसे जनरली दोस्तों टाइल्स के केसे में जो मोटर का रेशियो लेता है 1:3 लिया जाता है, 1:4 लिया जाता है। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल लीजिए कि 1:3 के लिए निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए इन क्यूबिक मीटर में टोटल वॉल्यूम कितना है 0.638 है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 1 है बाय सम ऑफ रेशियो, तो 1 है सीमेंट और 3 है सैंड, दोनों को जोड़ दिए तो 4 हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिएगा आपको 0.159 क्यूबिक मीटर आया। दोस्तों, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1440 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि इसको बैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं 230 kg को 50 से, क्योंकि दोस्तों एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है 50 kg होता है, उसको 50 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको बैग में आ जाएगा, जो 5 बैग से क्वांटिटी अपन निकल कर आ गया यहाँ पर। उसी तरह देन
एज इट इज सेम दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ सेंड निकालने के लिए आपको क्यूबिक मीटर में निकालना पड़ेगा। क्यूबिक मीटर हो गए, ड्राइव वॉल्यूम है 0.63 एंड क्वांटिटी ऑफ सेंड कितना दोस्तों 1:3 का 3 है क्वांटिटी ऑफ सेंड एंड देन बाय सम ऑफ रेशियो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर निकल कर रिजल्ट आया 0.47 क्यूबिक मीटर आया दोस्तों। इसको के जी में कन्वर्ट करने के लिए 450 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो डेंसिटी ऑफ क्वांटिटी सीमेंट सेंड की होती है 450 के जी पर क्यूबिक मीटर होता है। कट कर ये यहाँ पर क्यूबिक मीटर क्यूबिक कट गया, बचा आपको 693 के जी पर क्यूबिक फीट दोस्तों। उसी तरह क्यूबिक फीट में निकालने के लिए दूसरे सेंट का क्वांटिटी क्यूबिक फीट में निकाला जाता है, जो उसका क्वांटिटी 0.47 है क्यूबिक मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 35.31 से, तो आपको ये क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि मोटर की क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। एंड देन दोस्तों इसमें टाइल्स कितने लगेगी टोटल फ्लोर एरिया में, टाइल्स कैसे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, आप तो देखें 6 मीटर लंबाई था 4 मीटर चौड़ाई था, तो टोटल स्क्वायर हो गया 24 स्क्वायर मीटर। एंड दोस्तों साइज ऑफ वन टाइल, एक टाइल की हम साइज ले लिए जो 600 mm का मतलब 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया डिवाइड बाय एक साइज के एरिया, एक वन टाइल की साइज एरिया, तो साइज ऑफ वन टाइल 24 को डिवाइड कर दीजिएगा 0.6 × 0.6, तो आपको 67 टाइल्स आ जाए लग जाएगी दोस्तों। इस रूम में 67 टाइल्स लग जाएंगे दोस्तों, टाइल्स तो लग गया। उसके बाद दोस्तों ये स्कार्टिंग भी दिया जाता है, स्कार्टिंग क्यों दिया जाता है दोस्तों, स्कार्टिंग क्या होता है, जो यहाँ पर आप क्लीनिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं रूम में, तो इसके यहाँ पर वाटर आ जाते हैं, जो वाटर के कारण आपके वॉल खराब होने की चांसेस होती है, इसलिए इस वॉल को ख़राब होने से बचाने के लिए स्कार्टिंग प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि दोस्तों कैपिलरी हो जाता है, जैसे कि आपको ब्रिक के केस में देखा है उसमें वॉइड्स रहती है, तो वो क्या करते हैं वाटर को ऑब्जर्वेशन करने की करते हैं, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों आपका पेंट वॉल ख़राब होने की चांसेस, इसलिए यहाँ पर स्कार्टिंग प्रोवाइड किया जाता है। स्कार्टिंग जनरली स्कार्टिंग दोस्तों 4 इंच से 6 इंच दिया जाता है, यहाँ पर हमने 4 इंच लिए हैं, 4 इंच 100 mm होता है, तो वहाँ पर देख जो पूरे रूम में दे रहे हैं फ्लोर में स्कार्टिंग दे रहे हैं, स्कार्टिंग अच्छा 6 मीटर 6 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 4 मीटर, अब देख लेंथ ऑफ जो स्कार्टिंग होता है 6 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर 20 मीटर हो गया। डेप्थ ऑफ स्कार्टिंग दोस्तों इसकी चौड़ाई लंबाई यहाँ से कितना है हाइट इसकी, 100 mm लिए हैं, तो आपको 100 mm को 1000 से भागा दीजिएगा तो आपको 0.1 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्कार्टिंग पूरे रनिंग मीटर निकालने के लिए तो 20 हो गया इसका पूरे मीटर, एंड उसका डेप्थ कितना हो दोस्तों 0.1 मीटर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 स्क्वायर मीटर आएगा, जो स्कार्टिंग का जो एरिया है 2 स्क्वायर मीटर आएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर स्कार्टिंग के लिए 2 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय एक टाइल्स का दोस्तों, एक टाइल्स की साइज होती है जो टाइल्स के लिए थे, तो टाइल्स का जो एरिया ले लीजिए 0.6 बाय 0.6 का था, तो आपको हो गया इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 टाइल्स लगेगा, तो ये स्कार्टिंग के लिए हम 6 टाइल्स लगेगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्कार्टिंग के लिए 6 टाइल्स लगेगा और फ्लोर के लिए 67 टाइल्स लगेगा। यहाँ पर आपको पता चल गया एक फ्लोर में टाइल्स की क्वांटिटी कितनी लगती है और सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लगेगी और सैंड की क्वांटिटी कितनी लगेगी। सीमेंट की क्वांटिटी 1 bag और सैंड का क्वांटिटी 7.20 क्यूबिक फीट लगेगा, और टाइल्स इंक्लूडिंग स्कार्टिंग का जो क्वांटिटी लगेगा 67 और स्कार्टिंग का जो क्वांटिटी 6 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 73 आपको नंबर ऑफ पीस लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एक रूम में फ्लोरिंग करने के लिए कितना कितना क्वांटिटी लगता है। अरे दोस्तों आपको किसी तरह का वीडियो में दिक्कत आता तो मुझे कमेंट कीजिए और आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। अरे मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।